इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा था कि किस तरह से जो भेड़ थे सारी सब्जियां खा गए सब्जी वाली की। उसके आगे देखिए, इधर यह प्रलय मची थी और उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात का खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। जिस तरह से बच्चों ने घर में उथल पुथल मचाया, जिस तरह से तबाही मचाई, इसको देखते हुए घर में जो बड़े थे उन्होंने कहा कि इन बच्चों को रात का खाना नहीं मिलेगा। वे चार भैंसों का दूध धोने में जुट गए, जो चार भैंस थी उसका दूध निकालने में जुट गए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर हाथ आठ हाथ चार थनों पर पिल पड़े, मतलब बाल्टी धुली है नहीं धुली उन्होंने देखा नहीं, और बाल्टी उठाया और भैंस के स्तन से दूध निकालना शुरू कर दिया। भैंस एकदम चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। बैर ने छलांग लगा दिया और छलांग लगाते ही बाल्टी दूर जा गिरा और बच्चे भी, तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए। तो ऐसा होता है बच्चों, जब दूध गाय भैंस का निकालने जाते हैं, दोनों जाते हैं तो उसके पैर को बांध देते हैं। कुछ लोग आगे वाले पैर को दोनों बांध देते हैं एक में ही, पीछे वाले को भी। तो बच्चों ने भी ऐसा सोचा कि इसके पैर को बांध देते जिससे ये पैर न उठा सके, और भैंस को काबू में लाकर दूध दोह लिया जाए। झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर में बांध दिए और पिछले दो पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध दिए। भैंस के पैर बांधने के बाद जो चाचा जी जिस चारपाई पर सोए थे उस चारपाई से भैंस के पैर को बांध दिया गया। अगले दो पैर को बांधने की कोशिश की जा रही थी और भैंस चौकन्नी हो गई, सावधान हो गई, छूट कर भागी। तो पहले चाचा जी समझे शायद कोई सपना देख रहे हैं, क्यों, क्योंकि पिछले पैर से जो रस्सी बंधी थी वो चाचा जी के चारपाई में बंधी हुई थी और आगे एक पैर को बांधने की कोशिश की रही थी भैंस, इतने में ही चौकन्नी होकर भागी। तो चाचा जी को लगा कि वो कोई सपना देख रहे हैं। फिर चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर जब गिरा तो सामने की आंधी तूफान में फंसे हैं। तब चाचा जी को पता लगा कि उनके साथ क्या हो रहा है, साथ में भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी ही उन्होंने असली बात का पता चल गया और वह पलंग की दोनों पटरियां पकड़े बच्चों को छोड़ देने वालों को बुरा भला सुनाने लगे। जो सामने की जो पार्टी होती है उसको पकड़कर वो चिल्लाने लगे और बच्चों को इस तरह से खुला छोड़ देने पर जिसने भी उनको ये सब काम करने का आदेश दिया था उनको बुरा भला कहने लगे। ठीक है बच्चों।